भावुकता की जमीन पर मानवीयता की भावनाओं को लपेटे पापा की परी को मंच पर बुलाते हुए महानगर ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड की टीम एक अनजानी जिम्मेदारी के धागों में अपने आप को बांधने जा रही है। पापा की यह परी दिव्यांशी हम सबकी आंखों का तारा कैसे बनी, यह घटना ऐतिहासिक कही जाएगी। टेक्निया इंस्टीट्यूट के मंच पर न्यूज फोल्डर द्वारा आयोजित कार्यक्रम पापा की परी अपने रंग पर था। थीम थी पिता और पुत्री का रैंप वॉक। यातायात पुलिस के संयुक्त आयुक्त आलोक कुमार अपनी पुत्री के साथ रैंप वॉक पर थे। महानगर ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड के निदेशक रणवीर गहलोत वहां पर बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर मौजूद थे। कार्यक्रम की सार्थकता देखते हुए गेस्ट ऑफ ऑनर रणवीर गहलोत ने मंच से घोषणा की कि कार्यक्रम के विनर को महानगर ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड में भी पापा की परी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। लेकिन मंच पर रैंप वॉक कर रहे पिताओं और पुत्रियों की इमोशनल बॉन्डिंग को देख आयोजकों ने किसी को भी विनर घोषित करने का इरादा कैंसिल कर दिया। लेकिन घोषणा को देखते हुए एक विनर तो चाहिए था, और तभी सबकी आंखों को नम करते हुए मासूम दिव्यांशी मंच पर आई। वह अकेली थी, उसके पापा उसके साथ नहीं बल्कि उसकी गोद में थे, एक फोटो की शक्ल में। किसी के लिए कुछ कहने को शेष नहीं था, पापा की परी मिल चुकी थी। आज दिव्यांशी फिर आप सबके सामने है अपने पापा की परी के रूप में और हम सबकी आंखों के तारे के रूप में।